शर्म आनी चाहिए ऐसे बेटे को। तू जिंदा है, अपने बीवी बच्चों के साथ खुश है और तेरे माँ बाप ओल्ड हाउस के अंदर एड़िया रगड़ रहे। हमारे वो बापू बता रहे थे कि एक बाप को हमने देखा, उसकी नजर दरवाजे से नहीं हटती थी इसी उम्मीद पर कि शायद बेटा आज आ जाएगा। जब से छोड़ कर गया है बेटा मुड़ कर नहीं आया ओल्ड हाउस में, बाप की नजरें दरवाजे से लगी हुई है। ये हाल तो बाप का है, चाहे हमारे इस्लामी भाई तो उस जगह जाएंगे ना जहां बाप होते हैं, मर्द होते हैं। वहां का हाल तो हम कैसे बयान कर सकते हैं कि जहां माँ होती होगी, क्योंकि वहां तो औरतें होती हैं। वहां तो इस्लामी बहने जाएं तो पता चले कि माओ का क्या हाल है। उसका तो हाल अजीब होता, कलेजा मुंह को आता होगा उसका। तीन तीन साल तक इसकी परवरिश की थी, दस दस साल तक इसको पाला था। दरवाजा खोलकर सीढ़ी उतर जाता था तो मेरा कलेजा मुंह को आ जाता था कि किसी हादसे का शिकार ना हो जाए बेटा। सीढ़ी उतरता था तो डर लगता था मेरे बेटे का पाँव ना फिसल जाए। गाड़ी का दरवाजा खोलता था तो बेटा संभल के बंद करना, तेरी उंगली ना आ जाए। दराज खोलता था तो चीख निकलती थी कि दराज में उंगली आ जाएगी तो बेटे को तकलीफ हो जाएगी। किचन में मैं जाने नहीं देती थी कि बेटा आग ना लग जाए तुझे, चूल्हे से तकलीफ ना पहुंच जाए। पतीली नहीं उठाने देती थी कि मेरे बेटे को तकलीफ ना हो जाए। निवाला गर्म मुंह में नहीं डालती थी कि मेरे बेटे की जबान ना जल जाए। आज उस माँ को तुम्हारी परवरिश का एक एक लम्हा याद आता होगा जो ओल्ड हाउस में बड़ी तुम्हारा इंतजार करती होगी। अपनी माँ के साथ ऐसी ज्यादती मत करो। अगर माँ को परायों के रहम व करम पर छोड़ा है तो उठा कर ले आओ। अगर कोई ऐसी बहू चैनल पर हो जिसकी वजह से बेटे ने माँ को उठा कर निकाल दिया हो तो हाथ जोड़ कर अर्ज करता हूँ, इन दोनों माँ बेटों पर रहम कर, तो दोनों को मिला दे। सबर कर लीजिए, बर्दाश्त कर लीजिए और इस बूढ़ी माँ को अपनी औलाद की शफकतों रहमतों में जिंदगी की आखिरी सांसें ले लेने दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी औलाद कल बड़ी होकर तुम्हें भी ओल्ड हाउस में दाखिल करवा दे कि जैसी करनी फिर वैसी भरनी होती है। अगर आपके वालिद ओल्ड हाउस में है, एक काश ये ओल्ड हाउस ही वीरान हो जाए और ये माँ बाप अपने अपने औलाद के घरों पे चले जाए, औलाद इनकी खिदमत करे, इनकी आंखों की ठंडक बने, इनके दिल का सुकून बने। कितने माँ बाप ओल्ड हाउस में पड़े हुए पोता पोती नवासा नवासी को देखने को तरसते होंगे। तुम ईद के दिन की खुशियां मनाओ, वो ईद के दिन दरवाजों की तरफ नजर करके बैठे होते होंगे। हमारे बच्चे आएंगे, अरे सालों गुजर जाते हैं तुम माँ बाप को देखते नहीं हो।